रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के 70वें जन्मदिन का जश्न। 2000 से ज्यादा पेड़ लगा, ग्रोवर ने दिया जनता के नाम संदेश। मंडी में आमों से तोल, आम गरीबों में बांटे। जी आपको बता दिया, आज रोहतक में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का 70वां जन्मदिन है, जिसके मद्देनजर आज जगह जगह उनके जन्मदिन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोग उन्हें बुला केक काट जश्न मनाने लगे। आपको बता दें, मनीष ग्रोवर ने अपने जन्मदिन की शुरुआत अशोका चौक से केक काट व पेड़ लगा कर की, जिसके बाद वे मेडिकल मोड़ जवाहर नगर होते हुए गांधी कैंप की सब्जी मंडी रोड स्थित पब्लिक पार्क में पहुँचे, जहाँ उन्होंने पौधारोपण कर भारतीय जनता पार्टी के अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने की बात की, जिसके बाद वे विभिन्न स्थानों पर होते हुए नामदेव चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने 700 से ज्यादा पेड़ लगा, लोगों को पर्यावरण बचाने की अपील की तथा मौजूद लोगों से भी पेड़ लगवाए, जिसके बाद ग्रोवर सब्जी मंडी स्थित भाजपा नेता शाही मग्गू की दुकान पर पहुंचे और केक काट कर जन्मदिन मनाया। आपको बता दें, सब्जी मंडी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का वजन तोड़ उनके वजन के बराबर आम गरीब लोगों में बांटे गए। इसी बीच हमारी टीम ने जगह जगह मौजूद लोगों से बातचीत की तो पूर्व मंत्री की तारीफों की झड़ी लग गई। हर कोई उन्हें दोबारा मंत्री पद पर देखने की ठाने बैठा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, साहिल मग्गू व लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं सब्जी मंडी की ओर से हमारे छोटे जी साहिल मग्गू द्वारा, रमेश्वर सैनी मग्गू जी, छाबड़ा जी, सभी सब्जी मंडी के दुकानदार भाइयों का, हमारे केर सिंह यादव जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे इन्होंने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। इनके स्नेह और प्यार की वजह से मैं आज समाज की सेवा कर रहा हूँ। और आज के दिन जो मेरा जन्मदिन है, मैं एक पर्यावरण के नाम से, एक माँ के नाम से पौधा, उसकी मैं अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। जिस तरह संसार के अंदर जो आज जलवायु मौसम जो आज बदल रहा है, जहाँ देश ठंड के समय ठंडक होनी चाहिए, वहाँ गर्मी आ रही है, और जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों पे समय से बर्फ नहीं गिर रही, मैदानी इलाकों में समय से बारिश नहीं आ रही। उसका कारण कि पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आ गया है, क्योंकि जिस तरह की आज पूरा संसार चमचमाती जिंदगी में जीना चाहता है, शाइनिंग में, पत्थरों की एयर कंडीशन, उसकी वजह से आज हमारी हवा जो शुद्ध होनी चाहिए, जो पेड़ हैं वो सूख रहे हैं, उसका कारण आज हम अपने शरीर को ऊपर की चमड़ी तो गर्मी को बचा रहे हैं एयर कंडीशन के माध्यम से, परंतु एयर कंडीशन की जो गर्मी ऊपर तो ठंड लग रही है चमड़ी को, पर अंदर से हमारा शरीर खोखला कर रहा है, जिससे हम शरीर का भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अस्वस्थ हो रहे हैं, रोगी ज़्यादा हो रहे हैं, और एयर कंडीशन की गर्मी की वजह से हमारे पेड़ भी सूख रहे हैं, पर्यावरण पे भी असर पड़ रहा। इसलिए हम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम, जैसे माँ एक बच्चे को पैदा करती है, बड़ा करती है, बड़ा होने के बाद माँ उसको अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे समाज की सेवा के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छे राजनीति सेवा करने के लिए बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आगे बढ़ के करता है। ऐसे ही हम अपने हाथ से एक पौधा लगाएं,
माँ के नाम, जिस तरह माँ ने हमें बड़ा किया है पाल पोस कर, ऐसे उस पौधे को लगाएंगे तो पर्यावरण के अंदर जो आज हमें मौसम का बदलाव आ रहा है, जलवायु का बदलाव आ रहा है, पर्यावरण में जो क्षति हो रही उससे बच पाएंगे। और जीवन एक रोगी से निरोगी होगा। अगर हम पुराना समय देख लें, जब हम एयर कंडीशन पर नहीं थे, एक छत के ऊपर एक पंखा लगा के सोते थे, तो एक शरीर में कई शरीर में दिक्कतें आती थी। आज शरीर के अंदर हमारे इतने भी सादा होने के बाद भी आज हम अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए मैं इस जन्मदिन के ऊपर विशेष तौर से रोहतक की जनता का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज आपके सामने ये भी संकल्प करता हूँ हमेशा कि मेरे शरीर में जितना खून है, अंतिम खून तक मैं हरियाणा की, रोहतक की, देश की सेवा करता रहूँगा। और इस मौके को मैं पुनः आज मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं उनका विशेष तौर से धन्यवाद भी करता हूँ और आशा ही करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद मिलता रहेगा और मैं ऐसे रोहतक की जनता की सेवा करता रहूँगा। आज लगभग 2000 से ऊपर मैंने पौधारोपण कर दिया। लाल नाथ हिंदू कॉलेज, अनाज मंडी, मेडिकल मोड़ और अशोका मोड़, ऐसे करके कई स्थानों पर आज हमने गांधी कैंप, लिबर्टी सिनेमा के पीछे जवाहर नगर चौक, ऐसे संत रामदेव चौक, ऐसे करके कई स्थानों पर पौधे लगाए हैं। और मुझे आशा है कि आपके चैनल के माध्यम से जनता में जो संदेश जाएगा, परिवार का बच्चा, परिवार में 2 सदस्य 5 सदस्य हैं, वो भी अपने हाथों से एक पेड़ लगाएंगे, ऐसी मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, इस बात को मेरी जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद। अभी मेरे कार्यक्रम रात 10-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। देखिए, आज सारे शहर के अंदर एक खुशी का माहौल है, क्योंकि रोहतक शहर के जनप्रिय नेता, 36 बिरादरी के नेता और रोहतक के सच्चे मायनों में जो सेवक हैं, उनका जन्मदिन हमने, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि हमने तो मनाया ही मनाया रोहतक सब्जी मंडी के अंदर। आड़ती एसोसिएशन ने, मासाखोर भाइयों ने और जितने भी हमारे साथी थे, सब ने मिलकर धूमधाम से केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। और मंडी के आड़तियों ने एक पहल अच्छी की कि उनको फलों से तोला और वो फल जो हैं वो गरीब बच्चों के अंदर हमने बांटे हैं। और सारे शहर के अंदर ये प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह उनकी जन्मदिन की खुशी मनाई जा रही है, केक काटा जा रहा है। और अभी कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी एक बहुत ही, मतलब हमें जो सुखद एहसास कराया कि ये पूर्व मंत्री नहीं थे, आने वाले समय के भी अंदर ये रोहतक के जो नेता माननीय मनीष ग्रोवर जी हैं वो मंत्री बनेंगे और रोहतक का नाम ऊंचा करेंगे। जो अभी रोहतक की शान, आन बान और शान है, जिन्होंने रोहतक को एक विकसित रोहतक, एक 5 साल के छोटे से कार्यकाल के अंदर बनाया, रोहतक शहर को जाम मुक्त किया। पहले रोहतक सिर्फ रेवड़ी के लिए मशहूर था, अब रोहतक जो है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नाम से मशहूर है, क्योंकि ऐसा ही पहल रोहतक के अंदर पूरे देश में पहली बार हुई है। और मेरे ख्याल 90 से ज़्यादा शौचालय बना दिए और भी लोगों को फाटक मुक्त करवा दिया, एलिवेटेड पुल बना दिया, जो मतलब गरीब आदमी ने, किसी पेशेंट ने गांवों से आना होता था, चाहे सुनारिया से, चाहे कलानौर से, चाहे भिवानी साइड से मेडिकल में जाना होता था, उसको शहर का जाम से मुक्ति मिलते हुए सीधा PGI पहुंच सकता है। ऐसे में जो है जान और माल की भी बहुत रक्षा होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वे सच्चे मायने में रोहतक के सेवक हैं। और मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, आड़ती एसोसिएशन की तरफ से, माशाखोर एसोसिएशन की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे सदैव निरोगी रहें, दीर्घायु हो और इसी तरह से रोहतक शहर की और बल्कि पूरे हरियाणा की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, रोहतक की सेवा की है, उस तरीके, उस अगर हिसाब लगाया जाए तो मनीष ग्रोवर जी को एक तरफा जीत मिलेगी, पूर्ण बहुमत मिलेगा, पूरी तरह से जो है अब रुझान जो है मनीष ग्रोवर जी की तरफ है। अब आप देखें ना, शहर का, चाहे किसी व्यक्ति का कोई पारिवारिक काम हो, चाहे कोई राजनीतिक काम हो या कुछ भी उनका कोई सामाजिक काम हो, वो सिर्फ और सिर्फ याद करता है मनीष ग्रोवर जी को। और मनीष ग्रोवर जी
हर व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और उनके दुख का निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।